बीजेपी ने अपनी बाकी बची दो सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और हिसार से मौका दिया गया है विजेंद्र सिंह को, जो कि वीआरएस के साथ ही अब राजनीतिक डेब्यू कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी थे। और एक खबर इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और उन्होंने साफ तौर पर, चौधरी साहब ने कह दिया है कि अब एक्टिव जो राजनीति होती है उसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे और राज्यसभा का और जो इस्तीफा है मंत्रालय से वो पेशकश कर चुके हैं। इतना बड़ा बलिदान, इसके साथ जिम्मेदारी विजेंद्र सिंह के पास भी होगी कि उस विरासत को किस तरह से संभाल कर देखा जाए, क्योंकि वो विरासत छोटू राम से जुड़ी हुई है। और हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है टोटल न्यूज पर। पहला सवाल आपसे यही है, बड़ी जिम्मेवारी और वेलकम टू राजनीति की उस फील्ड में जहां चौधरी साहब ने बहुत साल तक, 47 साल तक रूल किया और एक बड़ी रोल मॉडल के तौर पर कह सकते हैं कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ये टिकट तो आपको मिला और उन्होंने साथ ही अपने संन्यास का कह दिया कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज जो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो पेशकश की है उसके बारे में मुझे ज्ञान है और मैं उसका, उन्होंने जो निर्णय लिया उसका मैं सम्मान करता हूं। और उस कारण जो दायित्व मुझे निभाने का, निर्वहन करने का जो मौका मुझे अब दिया गया है उसकी संजीदगी में और ज़्यादा तरीके से उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वास्थ्य से और मन से अभी बिल्कुल जवान हैं, कोई उनके, और कह भी रहे थे कोच की भूमिका निभाऊंगा इस साल लोकसभा में। नहीं, बिल्कुल कोच, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड वो तो सभी हैं मेरे और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे प्रयास करूंगा कि मैं आगे चल सकूँ। राजनीति की बात करें उससे पहले थोड़ा आपने उस करियर के बारे में बताइए और किस तरह के, कौन से बैच से कहाँ कहाँ रहे, क्योंकि एक ये छोटी घटना नहीं होती कि इस लेवल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के आप अधिकारी रहे और 20-21 साल के बाद उस करियर को छोड़कर राजनीति में शुरुआत करना। देखिए, मेरा 1998 का आईएएस का बैच है और मेरे 21 साल की नौकरी अब हो चुकी है। हालांकि सारी नौकरी मेरी रही हरियाणा में ही, मेरे को हरियाणा काडर अलॉट हुआ था और मैं सभी जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट हैं उन पे मैं रहा। फील्ड में मैंने करीब 12 साल की नौकरी की शुरुआती एसडीएम, एडीसी, मैं तीन महत्वपूर्ण जिलों का उपायुक्त भी रहा और उसके बाद मुझे हेड ऑफिस में आके बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ विभिन्न सरकारों ने सौंपी और हाल में मैं महाप्रबंधक था हैफेड का और अब मैंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। और किस तरह का रहेगा सर छोटूराम की विरासत को, एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आया है, थोड़ा भार भी लेके आया है, कितने तैयार हैं उस विरासत को संभालने के लिए जो 100 साल से लगातार हरियाणा ही नहीं और मजदूरों के लिहाज से और एक निश्चित वर्ग के लिए, बड़े वर्ग के लिए लगातार आवाज बनी रही कि सर छोटूराम की विरासत की बात कर रहा हूँ, लेगेसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, उसका मैं हमेशा मानता हूँ कि बोझ है, लेकिन बहुत अच्छा बोझ है वो उठाने के लिए और उसका मुझे मान है, उसका मुझे गर्व है। और अभी तक जो मैंने 21 साल की नौकरी भी की वो विरासत का बोझ ही था जो जिसने मुझे कभी भी अपने पथ से भटकने नहीं दिया। और मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे इस 21 साल के कार्यकाल में मुझ पर किसी प्रकार का कोई आरोप या आक्षेप या कोई भी ऐसा काम करना जो शोभनीय ना हो उसका आरोप मुझ पर कोई नहीं लगा सकता। इसका मुझे मान है और मैं समझता हूँ कि इसको मैं आने वाले समय में अपनी राजनीति पारी के माध्यम से भी इसको मैं निभा पाऊंगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक डेब्यू आज आपका हो चुका है, टिकट आपको मिल चुकी है बीजेपी की, हिसार से कैसे खुद को कनेक्ट करेंगे? सामने आपके जो विरोधी होंगे या तो कुलदीप बिश्नोई खुद होंगे, टिकट का ऐलान हुआ नहीं है, या उनके बेटे होंगे, और दूसरी तरफ से चौटाला परिवार के मौजूदा सांसद दुष्यंत भी हैं, उन सब से फाइट के लिए और हिसार से कनेक्ट करते हुए कितने तैयार हैं इस जंग के लिए? देखिए, मेरा जो परिवार है वो आज से नहीं, पूरे 100 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ है। सो कनेक्ट करने का या शुरुआत करने का जो सवाल है वो मेरे ख्याल से उत्पन्न ही नहीं होता, वो तो
एक एक बहुत गुडविल है लोगों में, लोगों का बहुत प्यार हमें इतने सालों से मिला है। 47 साल से तो मेरे पिताजी खुद ही बिल्कुल एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहे हैं, और मैंने खुद हरियाणा में नौकरी की है। सो वो शुरुआत करना मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। और दूसरा जो हमारी जो पार्टी का जो वर्कर्स का जो सेटअप है वो इतना सशक्त है बूथ लेवल तक, क्या आपके पन्ने के लेवल तक घर किया हुआ है। कोई कनेक्ट का मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल या मुद्दा ऐसा है, और जब मैदान में उतरेंगे तो पूरी मेहनत करेंगे और मुझे लगता है कि परिणाम भी हमारे अनुकूल आएंगे। तो भूपेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिसार की लोकसभा सीट पर पूरी दावेदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।